जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंडित दीपचंद जी कासलीवाल साहेबनी अपूर्व रचना छे अनुभव प्रकाश। एमा अनुभव वर्णनना नामे अनुभवनो अपूर्व महिमा अद्वितीय महिमा पंडित जीए वर्णव्यु छे एनो थोड़ोक अंश आपणे वाँचीए एनु वाचन करिए एनु घोलन करिए एनु मनन करिए। पंडित जी कहे छे हे भव्य तू एक वात सांभळ अमे एक वार वळी फरी कहीए छीए आ स्वानुभव दशा स्व समय रूप सुख छे शांति विश्राम छे स्थिर रूप छे निज कल्याण छे चैन छे तृप्ति रूप छे समभाव छे मुख्य मोक्ष राह छे एवी छे। वळी आ सम्यक सविकल्प दशा जो के अहीं उपयोग निर्मल छे तो पण अहीं चारित्र परिणाम परालंबी अशुद्ध चंचल होवाथी सविकल्प दशा दुख छे तृष्णाए करी चंचल छे पुण्य पाप रूप कलाप अर्थात समूह छे उद्वेगता छे असंतोष रूप छे एवा एवा विलाप रूप छे बन्ने यथी अर्थात सविकल्प निर्विकल्प दशा बन्ने यथी चारित्र परिणामनी अवस्था पोतामा दीठी छे। तेथी भलू आ छे के तो स्वानुभव रूप रहेवानो उद्यम राख्या कर आ अमारू वचन व्यवहारथी उपदेश कथन छे गुणस्थान प्रमाणे जेटली जेटली विशुद्धता स्थिरता वधी तेटलू तेटलू सुख वध्यु बारमा गुणस्थान सुधी कषाय घटवाथी स्थिरता वधी अने मति ज्ञानावरण अने श्रुत ज्ञानावरणना क्षयोपशमथी स्वसंवेदन रस वध्यो स्वसंवेदन स्थिरताथी उपजेलो रसास्वादरूप स्वानुभव ते अनंत सुखनु मूळ छे। ते अनुभव धाराधर मुषळधार वरसादरूप धारा प्रवाहरूप जागता दुख दावानल रंचपण रहतो नथी। मुनिजनो स्वानुभवने भववास घटानो नाश करवा माटे परम प्रचंड पवन कहे छे अनुभव सुधानु पान करी अनेक भव्य जीव अमर थया अनुभवज परम पूज्य पद ने करे छे एना विना सर्व वेद पुराण निरर्थक छे स्मृति विस्मृति छे शास्त्रार्थ व्यर्थ छे पूजा भजन मोह छे। अनुभव विना निर्विघ्न कार्य विघ्न छे परमेश्वर कथा ते पण जूठी छे तप पण जूठू छे तीर्थ सेवन जूठू छे। अनुभव विना तर्क पुराण व्याकरण खेद छे
ગામમાં ગાય શ્વાનની જેમ અને વનમાં હરણ આદિની જેમ અજ્ઞાન તપસી છે. પુરુષ ગમે ત્યાં રહે અનુભવ પ્રસાદથી તે સદા પૂજ્ય છે. અનુભવ આનંદ, અનુભવ ધર્મ, અનુભવ પરમપદ, અનુભવ અનંત ગુણ રસ સાગર અનુભવથી સિદ્ધ થાય છે. અનુપમ જ્યોતિ, અમિત તેજ, અખંડ અચલ અમલ, અતુલ અબાધિત, અરૂપ અજર અમર, અવિનાશી અલખ અછેદ અભેદ, અક્રિય અમૂર્તિક, અકર્તૃત્વ અભોક્તૃત્વ, અવિગત નિત્ય આનંદમય ચિદાનંદ ઇત્યાદિ પરમેશ્વરના સર્વ અનંત વિશેષણોને અનુભવ સિદ્ધ કરે છે, માટે અનુભવ સાર છે. આવા આત્માનુભવના પરમપદને આપણે સૌ પ્રાપ્ત કરીએ એવી મંગલ ભાવના સાથે વિરામ. ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય. નિજ નિધિ નિજ મે બતાઈ યહાં અનંત ઉપકાર હે ઉસકે લિયે જિન વાણી માં કો વંદના શત બાર હે વંદના શત બાર હે વંદના શત બાર. જપો દિન રેન જો તેરી શરણા ગહે શું પાવે સુખ ચેન. જા વાણી કે જ્ઞાન તે સૂજે લોકા લોક સો વાણી મસ્તક નવો સદા દેત હો ઢોક સદા દેત હો.